हेलो गाइस, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज सैमसंग ने अपने दो नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F12 एंड सैमसंग गैलेक्सी F02S लॉन्च कर दिए हैं इंडिया में। रियली में ये दोनों स्मार्टफोन्स कोई नए स्मार्टफोन्स नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी M12 एंड सैमसंग गैलेक्सी M02S स्मार्टफोन जो एक दो महीने पहले इंडिया में लॉन्च हुए थे, उन्हीं का रीब्रांडेड वर्जन है ये दोनों स्मार्टफोन्स। इंडिया में ये स्मार्टफोन्स आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं। और अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी परचेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स जिस प्राइस पर इंडिया में आज लॉन्च हुए हैं, उन प्राइस पर ये दोनों स्मार्टफोन्स बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको क्यों परचेस नहीं करने चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए पहले बात करते हैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन क्यों परचेस नहीं करना चाहिए। तो ये स्मार्टफोन इंडिया में आज लॉन्च हुआ है 11,000 रुपए की प्राइस पर। और दोस्तों, 11,000 रुपए में आपको यहाँ पर मिलती है HD+ रिजोल्यूशन वाली TFT LCD डिस्प्ले। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले भी नहीं मिलती। यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले होती तो ये स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें TFT डिस्प्ले मिलती है। फिर दोस्तों, इस स्मार्टफोन में सैमसंग ने यूज किया है एक्सिनोस 850 का प्रोसेसर, जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बैटरी एफिशिएंसी तो काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये प्रोसेसर काफी ही बेकार है। एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर इस प्रोसेसर से काफी बेटर है। आपने सही सुना, परफॉर्मेंस के मामले में एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर इससे बेटर है। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको EMMC की स्टोरेज मिलती है, UFS की भी स्टोरेज नहीं मिलती, जो कि एक काफी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 11,000 रुपए में आपको UFS 2.1 या फिर 2.2 बेस की स्टोरेज मिल जाती है काफी ज्यादा स्मार्टफोन्स में। और दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एंड 6000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा एंड 6000 mAh की बैटरी काफी अच्छी है इस स्मार्टफोन में, लेकिन बाकी सब चीजें यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सैमसंग गैलेक्सी F02S की बात करें तो यहाँ पर भी हमें TFT डिस्प्ले ही दी गई है, जहाँ पर HD+ का रिजोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पर तो 90Hz का रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलता, 60Hz का ही रिफ्रेश रेट दिया गया है। फिर दोस्तों, इस स्मार्टफोन में सैमसंग ने यूज किया है Snapdragon 450 का प्रोसेसर। और दोस्तों, ये प्रोसेसर Qualcomm ने लॉन्च किया था 2017 में, और 2021 में सैमसंग के स्मार्टफोन में यूज किया है सैमसंग ने ये प्रोसेसर। ये प्रोसेसर को देखकर ही ये स्मार्टफोन आप बिल्कुल परचेस नहीं करना, क्योंकि 9,000 रुपए में ये प्रोसेसर काफी ही बेकार प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है, और 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। ये दोनों फोन्स आपको बिल्कुल भी परचेस करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मार्केट में काफी सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है जो कि इन्हीं प्राइस रेंज में है, और आपको काफी डील प्रोवाइड करते हैं, बेटर डील प्रोवाइड कर देंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स के कंपेयर में। ये था मेरा वीडियो सैमसंग गैलेक्सी F02S एंड सैमसंग गैलेक्सी F12 के कंपेयर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।